एक तरफ जहां इजरायली सेना लेबनान को लगातार दहलाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लड़ाके इजरायल के भीतर दनादन हमले कर रहे हैं और हिजबुल्ला के हमलों की वजह से उत्तरी इजरायल में खौफ का माहौल है। यहां तक कि लाखों सेटलर्स को बम शेल्टरों में रहना पड़ रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से IDF के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला ने तेल अवीव के पास ग्लिलॉट बेस पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में IDF की इंटेलिजेंस यूनिट 8200 को निशाना बनाया। हिजबुल्ला के मुताबिक IDF का ये सैन्य अड्डा इजरायली सेना की खुफिया गतिविधियों का गढ़ है और इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने जुबलून मिलिट्री इंडस्ट्री बेस पर भी कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि ये सैन्य अड्डा IDF के लिए हथियार प्रोडक्शन का काम करता है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने मिसगाव आम सैन्य अड्डे पर जमकर रॉकेट बरसाए और इस हमले के बाद नहरिया सेटलमेंट पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का यह भी दावा है कि उसने दक्षिणी हाइफा के हा कर्मेल बेस पर भी कई हमले किए हैं। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक 23 अक्टूबर 2024 को लेबनान की ओर से इजरायल पर 135 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। वहीं इन हमलों को लेकर जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि 23 अक्टूबर 2024 को कम से कम 24 रॉकेट लेबनान से उत्तरी इजरायल में घुस गए और इसके बाद रॉकेटों का एक जत्था और दागा गया। इस हमले के दौरान इजरायल के अपर गैलीली, सेंट्रल गैलीली और हाइफा की खाड़ी में लगातार हवाई हमलों के सायरन बज रहे थे। हालांकि IDF का कहना है कि उसने इनमें से अधिकतर रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नामम इंडस्ट्रियल इलाके में हुए हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि हिजबुल्ला के हमलों से इलाके को कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उल्टा इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक उसने कम से कम 4 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। आपको बता दें कि जिस वक्त हिजबुल्ला ने इजरायल पर यह हमले किए उस वक्त पूरा इजरायल सिमहेट तोरा के त्यौहार को मना रहा था, लेकिन हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों ने इसमें खलल पैदा कर दिया और यही वजह है कि IDF के जवाबी हमला करते हुए बेरूत को दहला कर रख दिया। और इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया का कहना है कि बेरूत में IDF ने कम से कम 17 हवाई हमले किए। IDF के हमलों में 6 बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई जबकि हिजबुल्ला के एक खाली दफ्तर को भी IDF ने ढहा दिया। वहीं AFP TV ने इन हमलों का एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें पहले एक छोटा धमाका होता है और इसके बाद लगातार बेरूत में कई बड़े धमाके होते हैं। इसको लेकर लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी NNA का कहना है कि IDF ने 17 एयर स्ट्राइक की और ये हमले अभी तक के सबसे बड़े अटैक थे। NNA के मुताबिक IDF ने जना इलाके में न्यूज एजेंसी अल मयादीन के दफ्तर पर भी हमला किया। हालांकि न्यूज एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उसका ऑफिस खाली था। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर अल मयादीन का दफ्तर है उसके पास में पहले ईरानी दूतावास का दफ्तर हुआ करता था और उसके बगल में हिजबुल्ला का एक चेक पॉइंट भी था। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई है जबकि 5 लोग घायल हुए हैं।